सेवन फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, एपी का 31st टर्म फाइंड करना है, हुज 11 टर्म इज 38 एंड 60 टर्म इज 73। ठीक है, तो फाइंड 31st टर्म करना है और 11 टर्म गिवेन है और 16 टर्म गिवेन है। ठीक, कोई भी टर्म ए एन फाइंड करने के लिए ए प्लस एन माइनस वन, एन तो मालूम है, ए और डी चाहिए, ए डी नहीं गिवेन है, दो अननोन वैल्यू है, तो जिसके लिए दो कंडीशन दे दिया है, ए 11 दे दिया है और ए 16 दिया हुआ है, ये दिया इसीलिए कि आप ए और डी फाइंड कर सके। ठीक है, क्या गिवेन है मेरे पास, ए 11 11 टर्म गिवेन है, ए प्लस 10 डी कितना हो जाएगा, ए प्लस 10 डी 38 और फिर कौन सा टर्म है 16 टर्म, तो ए प्लस 15 डी ये कितना है 73। ठीक है 73, ये हो गया इक्वेशन वन। इक्वेशन टू, तो ए डी फाइंड करने के लिए इक्वेशन टू में से इक्वेशन माइनस कर लीजिए, ये चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन बन गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, टू में से वन माइनस कर लेंगे, ए और एक से 15D में से 10D जाए कितना जाएगा 5D, 73 में से 38 गया 38, 563 35 कितना हो गया 35, तो D की वैल्यू हो गई 35 बाई 5, तो ये हो गया 7, D निकल गया, D की वैल्यू वन में पुट कर दीजिए, A की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, A प्लस 10 इंटू 7 38, ए की वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस 70, ये दोनों माइनस कर लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3 माइनस 32। ठीक है, कौन सा टर्म फाइंड करना है अब, 31 31, तो ए प्लस 31 माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 32, 30, डी के वैल्यू कितनी 7, माइनस 32, 210, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 3 गया 7, 178। माइनस 178, ठीक है सॉरी बड़ा है ना, प्लस होगा, प्लस 178 ये हमारा आंसर हो गया, 13 टर्म क्या आएगा 178। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए अब। ठीक है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, किसी एपी में टोटल टर्म कितना गिवन है 50, विच थर्ड टर्म इज 12, ए थ्री की वैल्यू 12 है, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म, ए 50 की वैल्यू